स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 और एड और पॉइंट, उसके बारे में हम हमारी वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में जो लिजार्ड थी वो कितने होल्स मतलब 3 होल्स में उसको जाना है और इतनी इंसेक्ट उसको इंसेक्ट खाने, तो वो इस तरह से हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट आज हम हमारे ये जो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मर्चेंट है जो व्यापारी है वो उसको इस शहर से उस शहर में जाने के लिए बीच में एक रिवर है और रिवर में से जो नदी है रिवर उसमें एक बोट है और वो बोट कितना केजी वेट कैरी कर सकती है, तो 13 केजी। कितना केजी? 13 केजी। तो 13 केजी है वो बोट कैरी कर सकती है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो बोट क्या होगी पानी में डूब जाएगी और वो नहीं जा पाएगा। और उसके पास टोटल जो सामान है ओनियन है पोटेटो है एंड कोबीज है वो कितने हैं, तो 9 किलो 20 किलो एंड 6 किलो, तो 35 केजी टोटल है इसके। उसके बाद कितने? 35 केजी। तब यहाँ पे 35 है, वो 35 केजी तो ले जा सकता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर ओनियन कम लेनी पड़ेगी या कोबीज कम लेना पड़ेगा या तो फिर पोटेटो कम लेना पड़ेगा 5 केजी में, तो उसको इस तरह से सेट करके 13 केजी करके ही वहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल भी दिए, जिसके फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि 9 केजी ओनियन, कितने केजी? 9 केजी ओनियन है। मैं पीछे ओनियन नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं लिखूँगा बहुत टाइम और वर्ड बहुत हो जाएगा। 9 केजी ओनियन प्लस 20 केजी है, वो 20 केजी पोटेटोज प्लस 1 केजी कोबीज। तब देखते हैं कि 9 केजी प्लस 20 केजी प्लस 1 केजी कितने हुए, तो 13 केजी। जैसे कि 9 प्लस 20 तो 29, 9 प्लस 1 29 प्लस 1 13 केजी। तो ये या तो फिर 9 केजी ओनियन 20 केजी पोटेटोज और 1 केजी कोबीज लेके जाएगा, तो उस यहाँ से उस साइड मतलब इस साइड से उस साइड जा सकता है। उसी तरह से और एग्जांपल दिया, जैसे कि यहाँ पे हमें 9 केजी तो हमें दिया है, उसके बाद 13 केजी हो जाएगी टोटल। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 केजी प्लस 5 केजी का टोटल करते हैं। 9 केजी प्लस 5 केजी कितने होंगे? 14 केजी। कितने केजी? 14 केजी। तो 14 केजी। अब 13 में से 14 केजी निकालेंगे तो कितने होंगे, वो 16 केजी पोटेटोज कितनी ले जा सकते हैं, वो 16 केजी पोटेटोज वो ले जा सकते हैं। इस टाइम तो वो क्या होगा, वो जो बोट है वो कैरी कर सकती है, मतलब उसको लेके इस साइड से उस साइड तक आराम से जा सकती है। नेक्स्ट भी एग्जांपल दिया है 9 केजी प्लस, यहाँ पे भी हमने फिर से ब्लैंक दिया है, उसके बाद यहाँ पे कितने केजी कोबीज है प्लस 4 केजी। कितने केजी? 4 केजी हमें कोबीज दिया है, तो कितने केजी हमें पोटेटोज ले जाने होंगे? देखो यहाँ पे 1 केजी कम किया, यहाँ पे 1 केजी एक्स्ट्रा हो सकता है ना, यस। तो क्योंकि ओनियन तो हमारे 9 केजी से है, तो
यहाँ से 1 kg इसमें डाल दीजिए, कितनी हो जाएगी 17 kg। पोटेटोज और कोबीज कितने kg? 4 kg। ये इस तरह से। तो आपको क्या करना है, जो बीच में जो ब्लैंक दिए वहाँ पे मैं ये जो 16-17 लिखा रहा वो आपको 16-17 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है पीछे kg पोटेटोज लिखने हैं। ओके नेक्स्ट, और भी एक एग्जांपल है जहां पे 9 kg ओनियन तो दिया ही है, 9 kg ओनियन दिया है प्लस बीच में पोटेटोज की ब्लैंक रखी है और कोबीज कितने किलोज है, तो 2 kg, कितने केजी है 2 kg कोबीज है, तो बीच में कितने केजी हम ले जा सकते हैं, 9 kg प्लस 2 kg कितने हुए, ये 11 kg हो गए। अब 13 kg के लिए कितने चाहिए हमें, 19 kg पोटेटो मुखिया कर सकता है अपने साथ ले जा सकते। ओके तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए, ये जो बीच वाले है वो आपको अपनी वर्कबुक जो है उसमें लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हम सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, अब यहां पे ये भी ब्लैंक प्लस ये भी ब्लैंक दिया और प्लस 6 kg कोबीज, कितने केजी दिए कोबीज हमें, 6 kg दिए है। तो यहाँ पे हम कितने कितने ले सकते, अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है, आप जो भी चाहो ले सकते हो लेकिन तीनों का मिलके टोटल कितना होना चाहिए, तो 13 kg होना चाहिए। मैं यहाँ पे जैसे हम 9 kg लेते थे वैसे 9 kg ओनियन ही ले लेता हूँ। ओके क्योंकि कोई भी सब्जी बनाए या कुछ भी तो उसमें हम ओनियन डालते हैं। अब 9 kg प्लस 6 kg कितने हुए, 15 kg। तो 15 kg प्लस पोटेटोज कितनी ऐड करेंगे, 15 kg प्लस 15 kg तो 13 kg हो जाएंगे, तो 15 kg। ये वाला एग्जांपल भी आप अपने कर सकते अपनी वर्कबुक में लिखो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट दिए हमें, जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक है, ओनियन ब्लैंक दिए, पोटेटोज हमें दिए, पोटेटोज कितने केजी है, 15 kg दिए हमें, कोबीज की भी हमें क्या दिया है, ब्लैंक दिया है। हमें कोबीज प्लस ओनियन ले जाना है, हम कितने कितने ले जा सकते हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ सीधे 10 kg ओनियन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो इक्वल इक्वेशन करने में आसान हो, 10 kg प्लस 5 15 kg कितने हुए, 25 kg टोटल हो गए। अब 13 kg के लिए और कितने चाहिए, तो 5 kg हमें चाहिए, तो 5 kg, तो 10 kg प्लस 15 kg प्लस 5 kg कितने हुए, 30 kg। तो 30 kg ये हमारे क्लीन हो जाते, तो हम ये जो सामान है ये सामान को लेके इस साइड से उस साइड मर्चेंट है वो जा सकता है। नेक्स्ट ब्लैंक, यहाँ पे मैं
पोटेटोज लिए कितने पोटेटोज 20 kg, कुबीज हमें तय करना है कितनी लेंगे। 20 kg तो है ही, तो अब ये दोनों हम कितने कितने लेंगे, ओनियन ले लेते हैं 7 kg और 20 है तो इससे 20 + 7 27 + 3 kg को भी ये हमारे 30 kg कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट अब लास्ट में देखो तो यहां पे भी सेम टू सेम 18 kg पोटैटोज लिए हैं, ये ब्लैंक है 18 kg पोटैटोज प्लस कोबीज भी ब्लैंक दिया है, तो अब यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो 18 है, मैं क्या करता हूँ सीधे 18 में 2 ऐड करूंगा, तो इसे भी कर सकते हैं या और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 6 kg क्या ले लेता हूँ मैं कोबी और 6 kg ऑनियन, ये देखो हो गए मेरे 13 kg। और लास्ट वाला ये एग्जांपल आपको मैंने अपने आप घर से करने के लिए दिया है, तो वो आप अपनी तरह से घर पे कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आपने वो लिख दिया, अब नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन दिए सॉल्व करने हमें जो प्रॉब्लम दी है हमें उसके बारे में बात करते हैं। ओके तो सॉल्व द प्रॉब्लम, यहां पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक है 7 marbles, अशोक के पास कितनी है 7 marbles, शैलेश की गिव 6 marbles, शैलेश कितनी देता है और 6 देता है मैं किसको अशोक को, टू हिम एंड दिलीप गिव 9 marbles और जो दिलीप है वो भी उसको कितनी देता है 9 marbles, टू हिम हाउ मेनी टोटल marbles डज अशोक है। अब अशोक के पास कितनी, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हाउ मेनी कितनी हुई अशोक के पास टोटल कितनी मार्बल हुई, तो यहाँ पे हमें जो तीनों के पास जो मार्बल थी जैसे कि अशोक के पास थी 7 + शैलेश ने कितनी दी उसको 6 दी + दिलीप ने 9, अब इन सबका क्या करते हैं हम टोटल करते हैं ऐड करते हैं कितने होंगे, जैसे 7 + 6 = 13, 13 + 9 = 22, कितने होंगे 22। ओके आप इसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लाइन करके भी इस तरह से एग्जांपल्स वर्क कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो अशोक शैलेश दिलीप, नाम लिख सकते हो, नहीं लिखूंगी तो भी चलिए। ओके अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हमें, नमन हैज 4 rupees, नयन हैज 6 rupees एंड नरेन हैज 9 rupees, हाउ मेनी रुपीज डू दे हैव ऑल टुगेदर। अब ये 3 friends है, इनके पास जो नमन है उसके पास 4 rupees पड़े, नयन है उसके पास 6 rupees है और जो नरेन है उसके पास 9 rupees है, तो टोटल इनके पास कितने रुपीज हुए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 rupees + 6 rupees + 9, तो टोटल कितने रुपीज हुए, तो 4 + 6 = 10, 10 + 9 = 19 रुपीज टोटल उनके पास हुए।
आप ये इस तरह से जैसे मैंने पीछे लिखा आप लिख सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हर जो क्वेश्चन फिनिश होता है वहां पे आपको पूछता है हाउ मेनी, कितने सारे कितने हुए टोटल, हाउ मेनी लेफ्ट नहीं बोल रहा है कि हाउ मेनी लेफ्ट, अगर आपको हाउ मेनी लेफ्ट कहा जाए तो आपको क्या करना है वहां पे माइनस करना है सब्सक्राइब, मतलब वहां पे जो ये नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर को निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और यहाँ पे हाउ मेनी टू सबको ऐड करना है। हम क्यों कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐड अवर पॉइंट्स, तीनों के तीन पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे ऐड करने के आएंगे। तो थ्री नंबर का क्वेश्चन है बी टू हैज नाइन टर्माइन सीड, फिर बबली हैज टू टर्माइन सीड एंड डब्ली हैज टू टर्माइन सीड, तो हाउ मेनी टर्माइन सीड डू दे हैव ऑल टुगेदर, अब तीनों के पास टोटल होंगे कितने हुए, तो फर्स्ट के पास कितने हैं बी टू के पास 9 + 2 + 2 टोटल कितने हुए, तो 9 + 2 9 10 11 12 13 कितने हुए टोटल ऑल टुगेदर, इन सब के मिला के कितने हुए तो 13 हुए, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो 13। ये जो थ्री मैंने क्वेश्चन लिखा है वो आप अपनी तरह से लिखो और अपनी जो वर्कबुक है उसमें फिनिश करो। ओके फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हरेश हैज 63, परेश हैज 67 एंड नरेश हैज 8, हाउ मेनी शर्ट डू दे हैव ऑल टुगेदर, तो ये तीनों के मिला के टोटल कितने हुए, यहाँ पे हम लिखते हैं तो 3 + 7 + 8 कितने होंगे 3 + 7 + 8 ओके। अब इनका हम क्या करते हैं टोटल करते हैं, तो 3 + 7 10 10 + 8 18, तो मैंने आपको बताया लिखा था यहाँ पे कि 1 + 9 10 2 + 8 10 3 + 7 10 4 + 6 10 5 + 5 10 ऐसे, तो वो आपको अगर आता है तो आप ये तुरंत देखोगे 3 + 7 कितने होंगे 10, आप इजीली वर्क कर सकते हो। ओके नेक्स्ट उसके बाद है उषा हैज 8 beds, निशा हैज 3 beds एंड दिशा हैज 3 beds, हाउ मेनी बेड डू दे हैव ऑल टुगेदर, उन तीनों के मिला के कितने हुए, सब कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है हमें प्लस करना है, तो 8 + 3 + 3 करेंगे आप तो आपको क्या आंसर आता है वो आप अपनी तरह अच्छे से लिख के अपनी तरह से कर सकते हो। ओके बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा आज मैंने आपको जो सिखाया है एडिशन वो आपको इस तरह से, मतलब 3 digit का हम एडिशन कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट जैसे कोई चीज़ है तो उसके पैसे दे, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट हमें 2 ways में बताना है कि हम कैसे दे सकते हैं, कॉइन भी देना है नोट भी देना है, जैसे कि 22 rupees है तो 22 rupees की नोट नहीं आती, 20 rupees की नोट आती है तो 20 rupees के लिए हम क्या करेंगे 120 rupees की नोट और 2 11 rupees की नोट तो भी दे सकते हैं,
10 की नोट और 1 रुपीज का कॉइन वो भी हो सकता है, या तो फिर 10 की नोट और 1 के 2 कॉइन ऐसे भी हो सकता है, 1 10 20 रुपीज की नोट और 2 1 के कॉइन ऐसे भी हो सकता है। ये फॉल्ट अलग अलग डिफरेंट वे थे जो हम पे कर सकते थे, जो हमारे पैसे कोई भी चीज़ या आइटम भी तो उसके हम दे सकते थे। इसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बहुत इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।